सुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हम परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रहते हुए उनकी ही आशीर्वाद से, उनकी ही अनुकंपा से हम इस जीवन में अपने लक्ष्य तक, अपने ध्येय तक पहुंच पाते हैं। कहा गया है अगर मनुष्य को अपने आप को पहचानना है, अपने को जानना है, तो सबसे उत्तम रास्ता, सबसे श्रेष्ठ रास्ता धर्म का ही है, और कहा जाए तो एकमात्र रास्ता धर्म का ही है। अपने को जानने के लिए धर्म के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कहें कि अगर अग्नि में तेज ना हो तो अग्नि किस काम की, अग्नि में तेज ना हो तो अग्नि किस काम की, अगर जल में शीतलता ना हो तो जल किस काम का, अगर मनुष्य में, अगर साधु में, अगर धर्म व्यक्तियों में अगर अग्नि में तेज न हो तो अग्नि किस काम की, अगर अग्नि में तेज न हो तो अग्नि किस काम की, अगर जल में शीतलता न हो तो जल किस काम का। उसी प्रकार अगर साधु में वैराग्य ना हो, साधु में तप ना हो, साधु में तपस्या ना हो तो साधु किस काम का, अगर नर में नारायण को जानने का सामर्थ्य ना हो तो नर किस काम का। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो नर को, नारायण को जान सकता है, अपने आप को पहचान सकता है, और अपने इस सामर्थ्य से, अपने स्वतंत्रता से वो साधन कर सकता है और सभी जीवों का सहायता लेकर के, और सभी जीवों की सहायता लेकर के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। वो पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, उसको दोनों में फर्क करना केवल मनुष्य को ही आता है, मनुष्य के अलावा नहीं आता। मनुष्य से इतर जो प्राणी है वो प्राणी नहीं कर पाते। धर्म अधर्म में, ज्ञान में अज्ञान में, सत्य असत्य में क्या फर्क है, दोनों में, दोनों में क्या डिफरेंट है, वो नहीं समझ पाते। लेकिन एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको ईश्वर ने सारा सामर्थ्य दिया हुआ है कि वो समझ सकता है कि मुझे किस रास्ते पर चलना है और किस रास्ते का चयन करना है और मेरे लिए कौन सा रास्ता अत्यंत उत्तम होगा। तो जैसे अगर अग्नि में वो तेज ना हो, अगर अग्नि में गर्मी ना हो, अग्नि में वो उष्णता ना हो तो अग्नि कहलाने के योग्य नहीं है। तो उसी प्रकार अगर नारायण नर में, उसी प्रकार अगर नर में मनुष्य में उस नारायण को, उस परमपिता परमात्मा को जानने का अगर सामर्थ्य हमने विकसित नहीं कर पाए, हम अपने मन में, बुद्धि में, हृदय में उसकी प्रार्थना, उसकी स्तुति करने का सामर्थ्य अर्जित ना कर पाए, तो हम फिर मनुष्य, हम नर कहलाने के योग्य नहीं होंगे। और जो भी हमारे पास में है, सबसे बड़ी विडंबना जहाँ पर हो जाती है, हम नकारात्मकता की ओर जैसे हम बढ़ते हैं, वैसे ही हम अपने धर्म से, अपने पथ से, अपने मार्ग से हम विचलित हो जाते हैं। हमारे पतन का जो कारण है वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, क्योंकि जो हमारे पास में है, हमारे पास जो साधन है, हमारे पास जो इस सामर्थ्य है, जो शक्ति है, ईश्वर ने जो हमें प्रदान किया है,
जो हमें मिला हुआ है उसकी बदौलत, उसके उपहार के रूप में, तो वो हमें सब कुछ बकवास लगता है, उसकी हमें उसका हमें महत्व तो समझ में नहीं आता है, वो हमें व्यर्थ लगता है। और जब चीज़, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जब हमें व्यर्थ प्रतीत होती है तो वो हम उसका हम महत्व तो समझ नहीं पाते और फिर हम उसको उपयोग में नहीं ले पाते। तो जो भी हमारे पास में है, यह शक्ति है, सामर्थ्य है, ये जो हमारे बुद्धि है, मन बुद्धि हृदय, जो कुछ भी हमारे शरीर में है, यह हमारे आसपास का वातावरण, जो कुछ भी हमारे पास सामर्थ्य है, उसका हम सदुपयोग ना करते हुए वो हमें न्यून समझ में आता है, वो हमें कम समझ में आता है, वो अर्थहीन समझ में आता है, वो व्यर्थ समझ में आता है। और जो दूसरे का है, हमारी संस्कृति से लेकर के, हमारे धर्म से लेकर के, हमारे धर्म ग्रंथों से लेकर के, हमारे वेदों से लेकर के, जो अपना कुछ है उसका तो हम महत्व तो नहीं समझते। यही तो अज्ञान है। जो ज्ञान और अज्ञान में जो हमें फर्क करना है, यही तो हमें समझना है, यही तो हमें जानना है कि जो कुछ हमारे पास से है उसका हम महत्व समझें, वही तो ज्ञान है। अगर हम उसका महत्व नहीं समझते, उसको हम अर्थहीन समझते हैं, उसको हम बकवास समझते हैं, वही तो अज्ञान है। और जो दूसरे का है, जो विदेशों का है, इंग्लैंड का है, अमेरिका का, दूसरे का कल्चर है, दूसरे की संस्कृति है, दूसरे का जो वातावरण है उसे हम बहुत अच्छा समझते हैं, दूसरे का बकवास भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और जहां पर जो व्यक्ति अगर अपने आप को अच्छा नहीं समझेगा, अपने आप में उसको अगर महत्वपूर्ण समझ में नहीं आएगा, अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को वो पहचान नहीं पाएगा, तो फिर अपने आप को भी नहीं पहचान पाएगा। और फिर जो उसकी उन्नति होनी है, जिसको एक धर्म के मार्ग पर जो उसको चलना है, अपने ध्येय तक जो उसको पहुंचना है, तो फिर नहीं पहुंच पाएगा। तो सर्वप्रथम हमें जो ध्यान देना है वो अपने में ध्यान देना है कि जिस पर हमें, हमारे पास जो कुछ भी है वही हमारे लिए अच्छा है और वही हमें काम आएगा, कोई दूसरे का दिया हुआ हमारे काम नहीं आएगा। और किसी की बुद्धि बहुत अच्छी है तो दूसरे की बुद्धि, दूसरे का हृदय, दूसरे का मन हमारे काम नहीं आने वाला। और अगर हम स्वयं को अर्थहीन समझेंगे, स्वयं को सामर्थ्यहीन समझेंगे, स्वयं को शक्तिहीन समझेंगे, तो फिर हमारा पतन ही होगा। हमारा पतन फिर कोई होने से कोई रोक नहीं सकता। तो हमें पतन नहीं करना, हमें नर्क की ओर, हमें गर्त की ओर नहीं जाना। स्वर्ग और नर्क कोई एक स्थान विशेष नहीं होता, स्वर्ग मिलता नहीं है, स्वर्ग और नर्क कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता, हम अपने कर्मों से ही उसको बनाते हैं। स्वर्ग बनाया जाता है, नर्क बनाया जाता है, वो मिलता नहीं है, किसी को उपहार में नहीं मिलता, वो हमारे कर्मों से ही होता है। अगर हम धर्म पूर्वक अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, अपने धर्म का पालन करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तो वहीं पर स्वर्ग बन जाएगा। और अगर हम धर्म का पालन नहीं करेंगे, हम आलस्य करेंगे, हम भ्रष्टाचार करेंगे, वहीं पर नर्क बन जाएगा। तो नर्क और स्वर्ग की कोई जो परिभाषा है वो कहीं और हमें नहीं मिलने वाले, जो हमें कहीं और हमें देखने को नहीं मिलने वाले, वो तो हमारे पास में ही है। और अगर हमें सुख चाहिए, हमें आनंद चाहिए, हमें स्वर्ग चाहिए, तो हमें अपने कर्मों में, हमें अपने धर्म में, अपनी संस्कृति पे हमें गौरव होना चाहिए। और जब हमें गौरव होगा अपने में और अपनी संस्कृति में, अपने देश में, तब हम स्वर्ग को स्थापित कर पाएंगे। और हमें गौरव नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो हमें गौरव करना है। तो यहाँ पे गौरव का मतलब ये नहीं कि हमें अहंकार करना है, उस अहंकार से हम दूसरों को नुकसान पहुँचाएंगे, दूसरे पर अत्याचार करेंगे, दूसरे पर हम भ्रष्टाचार करेंगे। गौरव का मतलब है कि हम अपने आप को, जो हमारा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को पूर्ण रूप से सेवा में लगाना, पूर्ण रूप से अपने आप को पहचानने में लगाना, जो धर्म है, जो धर्म का पथ है, उस पर चल करके जाना, और उसमें से फिर हमें आनंद का, हमें सुख का, हमें की अनुभूति होगी। क्योंकि ये जीवन जो मिला है हमें, एक मनुष्य जीवन जो मिला है, ये हमें मनन करने के लिए, हमें चिंतन करने के लिए, हमें श्रेष्ठ कर्मों को करने के लिए मिला है। वेदों में कहा गया है, कुर्वन्ने वे हि कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं तो नान्यथेतोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। तो यहाँ पर केवल अधर्म कार्यों को करने के लिए नहीं कहा कि कर्म तो करो लेकिन कैसे भी करो, ऐसे नहीं कहा गया कि हम पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, किसी के चाहे अत्याचार करके हम धन कमा रहे हैं, किसी का दुराचार करके, किसी को कष्ट दे करके, अन्याय करके, अधर्म करके, असत्य बोल करके हम धन कमा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा इसका अर्थ समझे कि वेदों में भी कहा गया है पुरुषार्थ करना, धन कमाना, परिश्रम करना, लेकिन यहाँ पर वेदों में धर्म पूर्वक कहा गया है, कर्म करना है तो कैसे कर्म करना है, धर्म पूर्वक, वेदानुकूल। जो धर्म से विरुद्ध कर्म हो उनको कदापि मत करना, और जो धर्म के विरुद्ध कार्यों को करता है, जो वेदों के अनुकूल कार्यों को करता है, वही सच्चा ज्ञानी, सच्चा योगी कहा जाता है, वही सच्चा मनुष्य बनने के योग्य कहा जाता है। और जो धर्म के अनुकूल नहीं चलता, वेदों के अनुकूल नहीं चलता, तो वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं होता। हमारी हम सब अपने आप को मनुष्य समझते हैं, लेकिन मनुष्य के धर्म क्या है, मनुष्य के कर्तव्य क्या हैं, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमारे अपनी संस्कृति के प्रति हमारा गौरव कैसा होना चाहिए, वो हमें पता नहीं चलता, उसकी हम खोज नहीं करते, उस पर हम विचार नहीं करते। हम प्रातःकाल से लेकर के सायं पर्यंत हम दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं कि वो क्या किया, उसने कैसा किया, उसको आज ने उसने कितने डाके डाले, आज उसने कितना झूठ बोला, उसने मेरे साथ कितना अधर्म किया। हम दूसरों के ही लेकर के गुणगान गाते रहते हैं। और कहा गया है कि अगर हम जिस कार्यों को, जिसका हम चिंतन करेंगे, जिसका हम गुणगान गाएंगे, हम वैसे ही बन जाएंगे। तो हमें ध्यान देना है कि हमें किसी और की बुराई हमें नहीं देखनी। हाँ, दिखती है, देखने वालों को तो कमल में भी कीचड़ दिख जाएगा, और जो सच देखने वाले हैं, जो ज्ञानी हैं, जो सच पर देखने वाले, जो दर्शन करने वाले हैं, उनको कमल कीचड़ में भी कमल दिखाई दे देगा। तो जो सच देखता है, जो धर्म पूर्वक देखता है, तो उसको हर जगह उसका रास्ता दिखाई दे जाता है। और जो अपने आंखों में अधर्म का, असत्य का जो चश्मा पहन करके, पर्दा लगा करके जो देखता है, तो उसको धर्म में भी अधर्म दिखाई देगा, सत्य में भी असत्य दिखाई देगा। जो एक अच्छा व्यक्ति होगा, जो सत्यवादी होगा, जो योगी होगा, तो उसमें भी उसको भ्रष्टाचारी दिखाई देगा। तो हमारा दर्शन अच्छा होना चाहिए, हमारे देखने की दृष्टि हमारी पवित्र होनी चाहिए। अगर हम पवित्रता से देखेंगे, हमारे हृदय में शुद्धता होगी, हमारे हृदय में पवित्रता होगी, तो हम कीचड़ में भी कमल उगा सकते हैं। नहीं तो
वो कमल में भी हमें कीचड़ ही दिखाई देगा। वैसे ही अगर हम धर्म पूर्वक चलते हैं, हम वेदानुकूल चलते हैं, तो हर इंसान इंसान दिखाई देगा, हर इंसान में ईश्वर का रूप दिखाई देगा, हर एक प्राणी में उस ईश्वर की ही शक्ति दिखाई देगी, उसी का ही उसी की कला दिखाई देगी। और उसके प्रति जब इतना कुछ, जब उसी का ही हर एक कण, एक एक कण, एक एक पत्ती, एक एक पानी का बूंद, जब हम सोचेंगे, जब हम विचारेंगे कि सब कुछ उसी का ही दिया हुआ है, हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर उसके प्रति एक कृतज्ञता की भावना आएगी। और जो हमें उसने दिया हुआ है, हमें उपहार में जो कुछ भी दिया है, उसका हम सदुपयोग करेंगे और फिर हम नकारात्मकता की ओर नहीं जाएंगे। हमारे पतन का, जो हमारे जो नीचे गिरने का, गर्त में जाने का, जो हमारी अवनति का जो कारण है, वो सबसे ज्यादा है हमारी नकारात्मकता। अगर हमारी नकारात्मकता दूर हो गई, हमारे दूसरे के प्रति देखने की दृष्टि जो सही हो गई, हम किसी की बुराइयां ना देख करके हम बुराइयों में भी अच्छाइयां देख लें, तो फिर हमारा जीवन इतना सुखमय हो जाएगा, इतना खुशहाल हो जाएगा, इतना आनंदमय हो जाएगा, जिससे कि जो कि एक मनुष्य का धर्म है। जैसे हमें एक साधु को, जैसे एक योगी का जीवन एक तपमय होता है, अगर योगी तपस्वी नहीं है, अगर साधु तपमय नहीं है, तो साधु नहीं होता, वो योगी नहीं होता। अगर साधु और योगी त्याग की प्रेरणा ना दे, तो योगी नहीं कहलाता वो। वैसे अगर मनुष्य धर्म का उपदेश ना दे, उसके जीवन से धर्म ना दिखाई दे, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से उसके धर्म ना झलके, धर्म का की प्रेरणा ना मिले कि जैसे मनुष्य का जीवन होना चाहिए, जैसे वो मननशील होता है, जो भी कार्य करता है वो विचार करके करता है, सोच करके करता है, अगर उसके जीवन से धर्म दिखे ना, उसके जीवन से, उसके व्यवहार से धर्म ना समझ में आए, तो फिर वो मनुष्य मनुष्य क्या कहलाए? वो तो फिर सामान्य जो भी इतर प्राणी है, वो उसी की कैटेगरी में आ गया, उसी के लेबल में आ गया। जो सभी प्राणियों से जो श्रेष्ठ कहा गया है, वो मनुष्य कहा गया है। तो हम अपने श्रेष्ठता का, हम अपने मनुष्यता का जो परिचय देना है, वो हमें अपने व्यवहार से देना है। अगर हमारे व्यवहार में वो समझ में दिखाई नहीं दिया, अगर हमारे व्यवहार में वो उतर करके नहीं आया, जो वेदों में लिखा हुआ है, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो हमारे व्यवहार से दिखाई देना चाहिए। और जितने भी महापुरुष हुए हैं, आज हम उनकी वंदना, उनकी आराधना हम क्यों करते हैं? इसलिए नहीं करते कि हमें वो धनवान बना दें, इसलिए नहीं करते कि वो हमें मोक्ष में पहुंचा दें, इसलिए नहीं करते कि वो हमें स्वर्ग बसा दें, इसलिए करते हैं कि उनका जो पथ है, उन्होंने जिस मार्ग पर चले हैं, हम उसी मार्ग का अनुसरण कर सकें और अपना जो कर्तव्य है, अपना जो धर्म है, उसको हम निभा सकें। अगर हम अपने धर्म को नहीं निभा पाए, मनुष्य का जन्म ले करके भी हम धर्म के मार्ग पर न चल पाए, तो मनुष्य बनना हमारे लिए अर्थहीन हो जाएगा। अगर मनुष्य का जन्म लेकर के हम अपने आप को नहीं पहचान पाए, हम किसी और से ईर्ष्या द्वेष को खत्म ना कर पाए, तो मनुष्य बनने का हमारा अधिकार छीन जाएगा। तो हम मनुष्यों का, हम प्राणियों का जो कर्तव्य है, सबसे अधिक जो हमारे लिए मायने रखता है, वो धर्म पर चलना है और धर्म का पालन करना है। धर्म केवल हम अपनी वाणी से ही नहीं, कहा जाता है कि कर्म की ध्वनि
इतनी तीव्र होती है कि लाखों करोड़ों शब्दों से भी भारी होती है। तो कर्म की ध्वनि इतनी तीव्र होती है, तो हम अपने कर्मों से हम कभी किसी का बुरा ना करें, हम किसी के बारे में अहित ना सोचें, हम किसी के की को लेकर के हम उसकी उपेक्षा ना करें, हम किसी से ईर्ष्या ना करें। अगर हम इन सारे कार्यों को कर लेंगे, हम छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान दे देंगे, तो बड़े कार्य हम अपने आप कर पाएंगे। लेकिन हम उसको उल्टा अर्थ समझ लेते हैं, उसको हम गलत तरीके से समझ लेते हैं कि जो बड़े बड़े कार्य कर लेता है उसके लिए छोटे मोटे कार्य क्या हो जाते हैं। जब भगवान ब्रह्मा ने रावण से पूछा था, जब रावण ने घनघोर तपस्या करके और उसने मृत्युंजय का वर मांगा था, तो ब्रह्मा जी बोले थे कि आप तो मृत्युंजय तो नहीं हो सकते हो, लेकिन कुछ अपवाद रूप में कुछ आप दे सकते हो कि हमें इससे ना मारा जाऊं, इससे ना मारा जाऊं, इससे ना मारा जाऊं। तो उस समय रावण ने उसने लंबी लिस्ट बनाई कि मैं अग्नि से ना मारा जाऊं, इससे ना मारा जाऊं, इससे ना मारा जाऊं। लेकिन वो वानर और मनुष्य, इन दो का नाम, मानव और वानर, इन दोनों का नाम भूल गया। क्यों? क्योंकि भूला क्यों? क्योंकि उसको उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा था, उसको वो कुछ गिनता ही नहीं था, उसके लिए कोई महत्व ही नहीं थे वो, क्यों? उसकी तपस्या, उसका जो अहंकार, उसका जो एक अंदर से अभिमान था, उसके लिए मानव और वानर उसके लिए कुछ थे ही नहीं। तो वैसे ही अगर हम अपने जीवन में इन छोटे छोटे को का ध्यान न दें कि हमें किससे कैसे व्यवहार करना है, हमें किससे कैसे वार्तालाप करनी है, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से कभी किसी को कष्ट ना पहुँचे, अगर हम छोटे छोटे बातों पर ध्यान नहीं देंगे, तो फिर हम बड़े कार्यों में ही उलझ करके रह जाएंगे और उनको भी हम तरीके से धर्मपूर्वक वेदानुकूल नहीं कर पाएंगे। तो हमें छोटे छोटे कार्यों को ध्यान में पहले देना है। छोटे छोटे कार्य ध्यान में रख लिए तो हमारे बड़े कार्य भी आसानी से पूर्ण हो जाएंगे, और हम धर्म के मार्ग पर अगर चल करके, वेदों के मार्ग पर अगर हम चल करके अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे, क्योंकि हम मनुष्यों का स्वभाव ही है कि हम आलसी होकर के, दुराचारी होकर के, हम प्रमादी होकर के हम बैठ नहीं सकते। हमारे अंदर हम दूसरे तो से अगर भले ही छिपा लें, हम अगर हम झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, हम दूसरे की नज़र में हम भले ही उस समय छिपा लें, झूठ बोल दें, लेकिन हम अपने आप से कभी नहीं छिपा सकते। हमारे अंदर हमारे जो एक अंदर की पुकार होती है, अंदर की जो आवाज़ होती है, वो हमें हर पल हमें याद दिलाती है, वो हमें हर पल हमें अपने आप से याद दिलाती है, हमें अपने आप से जानने की प्रेरणा देती है। तो हम उसी से हम अपने आप को, हम दूसरे अगर हम परेशान होते हैं, किसी प्रकार से विचलित होते हैं, तो हम दूसरे से जाकर के वार्तालाप करने लग जाएंगे, दूसरे के पास बैठ जाएंगे, उनसे वार्तालाप करके हम मन को बहलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर हम स्वयं के साथ बैठना हम बैठ नहीं सकते, अगर हम अधर्म का काम करते हैं, अगर हम दुराचार का काम करते हैं, हम असत्य का काम करते हैं, धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो हम अपने पास में, अपने साथ एक क्षण भी नहीं बैठ सकते। एक मिनट भी बैठना हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाता है। तो जो हम अपने आप के साथ बैठ पाएँ, हम अपने आप को जान पाएँ, हम अपने आप को पहचान पाएँ, यही सबसे बड़ा हमारे लिए कार्य है। ये मनुष्य का धर्म, इसीलिए ये मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जो जन्म है, इसी के लिए है कि अपने आप को पहचानना और अपने साथ दूसरों को पहचानना, और सब में उस परम पिता परमात्मा का ही रूप देखना, सब में हर प्राणियों में उसी की ही महिमा का गुणगान करना, उसी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करना, क्योंकि वही एकमात्र है जो हमारे साथ
जो हर पल हर क्षण हमें प्रेरणा देने वाला है, हमें उसकी छाया हमारे ऊपर रहने वाले हैं। उसके बिना इस संसार में, इस जगत में जो हमारा सच्चा साथी है, जो साचा उसके साथ जो हमारा रिश्ता है, केवल और केवल परमपिता परमात्मा के साथ ही है। तो हम मनुष्यों का, हम नर का सबसे बड़ा कर्तव्य है नारायण को जानना। इसी प्रकार हम अपने हर एक कार्यों से हम उसकी पूजा करें, उसकी आराधना करें और उसकी स्तुति करके अपने लक्ष्य तक, अपने ध्येय तक हम पहुंच पाएं। ओम शांति शांति शांति।